सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्टा फ्लो वर्जन 10 का गाइस फीचर्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स हमें देखने को इसमें मिल जाता है गाइस। ठीक है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके ईच एंड एवरी फीचर्स के बारे में आप लोगों को बता दूंगा गाइस। ठीक है, सो प्लीज़ यार वीडियो को इन तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। और गाइस इसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल फीचर्स को देखने वाले हैं, ठीक है, और इनका जो iOS इमोजीज फ्रंट वगैरह होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग आज की इस वीडियो में बस इसका ऐप के अंदर का जो फीचर्स है उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, और iOS इमोजीज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। सो गाइस सबसे पहले हम लोग अपना इंस्टा फ्लो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो जैसे आप अपने इंस्टा फ्लो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा गाइस। ठीक है, फिर उनके बाद मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो कॉमन फीचर्स वगैरह होता है गाइस वो आपको हर इंस्टाग्राम की तरह इसमें भी मिल जाएगा। जैसे सपोज आप किसी का रील्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो या पोस्ट वगैरह, जैसे यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जैसे ये पोस्ट को आपको अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड बटन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा साइज में इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आपको डाउनलोड बटन यहीं पर मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से आप लोग कोई भी रील्स वगैरह को भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ये रील्स है गाइस, तो सिंपली यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इसे यहाँ पे आपको देख लो, यहाँ पे डाउनलोड बटन का ऑप्शन आपको जो ऑप्शन मिल जाता है गाइस। ठीक है, तो यानी ओवरऑल मैं बोलूँ तो किसी का भी पोस्ट रील्स वगैरह आप लोग इजी डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। ठीक है, अब बात करें स्टोरी का, तो गाइस स्टोरी वगैरह भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो थ्री लाइन्स पर टैप करना है, उसके बाद आप अपना खुद का भी स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हो और सेम तरीके से आप लोग किसी दूसरे का भी स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हो सिंपली गाइस। ठीक है, अब तो आप लोगों ने स्टोरी देख लिया गाइस कि कैसे डाउनलोड करते हैं, पोस्ट देख लिया कैसे डाउनलोड करते हैं और रील्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका मेन और अंदर के फीचर्स की ओर गाइस। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो फिर आपको थ्री लाइन्स पर टैप करना, आने के बाद अपना यहाँ पे इसको इंस्टा फ्लो सेटिंग पे आ जाना। आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वो स्टार्ट होता है गाइस। ठीक है, फीचर्स स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, प्राइवेसी से स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसका अंदर की फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, बाद में मैं आप लोगों को एक वीडियो कल बना के दे दूंगा इसके iOS इमोजीज फ्रंट सब के बारे में गाइस। ठीक है, तो सिंपली सिर्फ आज की वीडियो में मैं आपको इनके फीचर्स के बारे में ही बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गाइस सबसे पहला नंबर पे गाइस प्राइवेसी। जैसे आप प्राइवेसी पे टैप करते हो तो आपके सामने यहाँ पे गाइस देख सकते हो पांच ऑप्शंस मिल जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले नंबर पे है स्टोरी होस्ट मोड, मतलब आप किसी के स्टोरी को वॉच कर लोगे उसे पता नहीं चलेगा, बट इन सभी ऑप्शंस को आपको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप लोग किसी का मैसेज को भी रीड कर लोगे उसे पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से अगर आप लोग किसी से चैट वगैरह करते हो तो उससे जो टाइपिंग स्टेटस होता है गाइस, आपको जो टाइपिंग स्टेटस दिख जाता है कि सामने बंदा टाइप कर रहा है, बट आप अगर इसे इनेबल कर देते हो तो आपका टाइपिंग स्टेटस नहीं शो होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो एरोप्लेन मोड, यानी अगर आप लोग इसे इनेबल कर देते हो तो गाइस आपका इंस्टा फ्लो में किसी का ना मैसेज आएगा ना किसी का जाएगा, बिल्कुल फ्लाइट मोड की तरह हो जाएगा गाइस। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस सबसे लास्ट में दिया हुआ होस्ट मोड ऑन लाइव वीडियोस, यानी अगर आप लोग किसी का लाइव स्ट्रीमिंग को भी वॉच करते हो तो गाइस आपका जो आइडिया वहाँ सामने वाले को पता नहीं होगा, शो नहीं करेगा कि आप उनके लाइव स्ट्रीमिंग को वॉच कर रहे हो, जो काफ़ी बेहतरीन और कमाल का फीचर्स हमें देखने को इसमें मिल रहा है, क्योंकि आपका जो प्राइवेसी रहेगा गाइस वो छिपा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इन सभी फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोग ईजी कर सकते हो, सारा बेस्ट है गाइस। ठीक है, तो हम लोग अब अगले फीचर्स की ओर चलते हैं गाइस। यहाँ पे उनके बाद डाउनलोड सेटिंग, तो यहाँ पे डाउनलोड में आपको तीन ऑप्शंस मिल जाता है, पहला कि आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो डाउनलोड पाथ को, दूसरा यहाँ से अपना फोल्डर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपके कौन से फाइल में जाएगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे गाइस स्प्लिट डाउनलोड बाय यूज़र नेम, मतलब अगर दो तीन बंदे का अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हो गाइस। ठीक है, तो आपको अगर आप लोग चाह रहे हो कि वो दोनों तीनों बंदा का अलग अलग मतलब फाइल बन जाए जो भी चीज़ आप डाउनलोड करोगे उनके, ठीक है, तो उनके लिए आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, फिर वो जो भी चीज़ आप डाउनलोड करोगे उसका अलग अलग फाइल बन जाएगा अलग अलग नेम से, मतलब जिनका भी आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, फिर उनके बाद यहाँ पे मिल जाता है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हो गाइस इस ऐप को आप ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो, और इंडिकेटर फॉलो यू, मतलब कौन आपको फॉलो किया नहीं किया, जैसे आप उनके प्रोफाइल में जाओगे आपको पता चल जाएगा। फिर उनके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डिसेबल ऐड, यानी ऐड वगैरह जो भी आता है प्रचार वगैरह कोई भी चीज़ का स्पॉन्सर वगैरह वो आपके सामने स्क्रीन पर नहीं आएगा, कभी भी शो नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ से इन सभी को आपको इनेबल करना होगा उसके लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका अगले फीचर्स की ओर। जैसे अगले फीचर्स में जाते हो तो फिर यहाँ पर फीड एंड स्टोरीज का ऑप्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जैसे आप लोग देख सो हाइड शॉपिंग आइकन, मतलब शॉपिंग आइकन जो होता है गाइस वो आपको सामने में जो शो करता है वो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। रेक्टेंगुलर स्टोरी जो लगाते हो इसे यहाँ से आप लोग इनेबल कर सकते हो। ऑटो प्ले वीडियोस वगैरह जो ऑटोमेटिक चलने लगता है जैसे आप इस ऐप में एंटर करते हो, जो भी रील्स वगैरह अगर आप चाहते हो तो यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हो, इसे ऑफ करके। ठीक है, और उसके बाद अपना स्टोरी को भी हाइड कर सकते हो गाइस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस कस्टमाइज स्टोरीज फ्रंट वगैरह को भी यहाँ से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बहुत सारा ऑप्शंस है, प्री इंस्टॉलेड फ्रंट है, या आप अपने मतलब यहाँ से फाइल मैनेजर से कोई भी फ्रंट वगैरह इमोजीज वगैरह को लोड कर सकते हो यहाँ से। खैर इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग iOS इमोजीज फ्रंट वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हो, ओवरऑल मैं सिर्फ अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फ्रंट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, और उसके
बाद उसके नीचे जो था गाइस यहाँ पे सेकंड वाले में आप लोग यहाँ से अपने फाइल से सिलेक्ट कर सकते हो। तो खैर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो अभी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। और उनके लिए आपको क्या करना है कि मेरे बस चैनल पर अगर जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस सेकंड लास्ट वीडियो में स्टोरी ऑटो प्ले विद साउंड, यानी आप किसी का स्टोरी जैसे ही प्ले करते हो तो ऑटोमेटिक जो साउंड के साथ प्ले हो जाए उसके लिए आपको इसको इनेबल करना पड़ जाएगा गाइस, ठीक है। फिर स्टोरी जो ऑटो स्किप हो जाता है वन बाय वन करके जो चलने लगता है, अगर आप चाहते हो तो इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो इसको इनेबल करके गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसका अगले फीचर्स की ओर गाइस। यहाँ पे जैसे जनरल सेटिंग को हम लोगों ने देख लिया, फिर स्टोरीज को भी हम लोगों ने देख लिया गाइस। अब यहाँ पे मीडिया टूल, जैसे मीडिया टूल पे आओगे तो यहाँ पे सारे चीज़ की क्वालिटी को आप लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जैसे रील्स क्वालिटी हो, फोटो क्वालिटी हो, और उसके बाद IGTV क्वालिटी हो, ठीक है, स्टोरी क्वालिटी हो, यानी ओवरऑल बोले जितना भी चीज़ का क्वालिटीज़ होता है उन सभी क्वालिटीज़ को आप लोग यहाँ से इनेबल करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका भी फीचर्स देख लिया। अब यहाँ पे इनके अबाउट में आ जाता है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कौन डेवलपर ने इसे डेवलप किया गाइस, ठीक है। और यहाँ पे इसे आप थैंक्स कर सकते हो कैसे, तो आपका डोनेट वगैरह करके कुछ, ठीक है, उस टाइप से। यहाँ पे लोग को जो भी इसका मतलब लिमिटेड फीचर्स था गाइस इसमें, बट जितना भी था हमारा सब फीचर्स यूज़ का है गाइस, ठीक है। काफ़ी कमाल का फीचर है जिसको आप लोग डेली यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा यार। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया होता है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट कन्फ्यूजन वगैरह आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो। अदरवाइज मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग डिस्कस वगैरह करते हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है तो वहाँ पर वो अपना प्रॉब्लम को शेयर करता है और वहीं पर उसका सारा सॉल्यूशन होता है। अगर इनको अपडेट नहीं किया और डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, पहले डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के लिए आपको मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और या फिर अपडेट करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। सो प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, और जो अपने इस भाई के चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो यार उससे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है।